पेपा और जॉर्ज प्ले ग्रुप में जा रहे हैं। ये जॉर्ज का पहला दिन है। जॉर्ज, क्या तुम्हें प्ले ग्रुप में जाना अच्छा लग रहा है? डैडी, मुझे लगता है जॉर्ज अभी प्ले ग्रुप के लिए बहुत छोटा है। वो ठीक रहेगा पेपा, और फिर तुम और मिस्टर डायनासोर वहाँ उसके साथ रहोगे। डायनासोर? लेकिन मैं बड़े बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ, ना कि जॉर्ज और उसके डायनासोर से। ओह डियर, पेपा जॉर्ज के साथ प्ले ग्रुप में जाना नहीं चाहती। हम पहुंच गए। डैडी, आपको यकीन है जॉर्ज बड़ा हो गया है? वो ठीक रहेगा। ठीक है, ये आ सकता है। बाय बाय। मैडम गजेल प्ले ग्रुप के बच्चों की देखभाल करती है। हेलो, ये है मेरा छोटा भाई जॉर्ज। हेलो जॉर्ज। काश मेरा भी एक जॉर्ज जैसा एक छोटा भाई होता। सच में? हेलो, मैं हूँ डैनी डॉग। क्या ये डायनासोर है? ये सिर्फ एक खिलौना डायनासोर है। डायनासोर शानदार। डायनासोर डायनासोर। सच में डरावना है। ये शानदार है। जॉर्ज मेरा भाई है और वो कमाल का है। पेपा को अपने छोटे भाई जॉर्ज पर गर्व है। चलो हम जॉर्ज को बताते हैं कि तस्वीरें कैसे बनती हैं। जॉर्ज की पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। शायद तुम उनकी मदद कर सकती हो। हाँ, मुझे बहुत अच्छी आती है। मैं इसे दिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करना है। जॉर्ज, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करते हैं। पहले तुम एक बड़ा सर्कल पेंट करो। नहीं जॉर्ज, ये रंग सही नहीं है। अब तुम फूल की पत्तियों को पेंट करो। जॉर्ज, ये सही शेप नहीं है। अब तुम इसकी डंडी और पत्तियां पेंट करो। परफेक्ट। जॉर्ज, तुमने बिल्कुल गलत बनाया है। देखें तो तुमने क्या बनाया है। मैंने एक फूल पेंट किया है। ये बहुत अच्छा है पेपा। और जॉर्ज ने पेंट किया है एक डायनासोर। ये डायनासोर। शानदार। जॉर्ज और पेपा की तस्वीरों को दीवार पर लगाना चाहिए। पेपा, तुम्हें अपने छोटे भाई पर गर्व होना चाहिए। हाँ, मुझे है। घर जाने का समय हो गया और बच्चों के मम्मी पापा उन्हें लेने आ गए हैं। क्या जॉर्ज फिर से आ सकता है? हाँ, और एक अच्छी तस्वीर भी बना सकता है। अगली बार तुम क्या पेंट करोगे जॉर्ज? डायनासोर ग्रिल। एक और डायनासोर की तस्वीर। शायद तुम हमें सिखा सकते हो कि डायनासोर कैसे पेंट करते हैं। शानदार। हाँ, शानदार शानदार। बैले क्लास। पेपा अपनी पहली बैले की क्लास में जा रही है। ये है मैडम गजेल, बैले की टीचर। ओहो, तो तुम हो छोटी पेपा। मैं हूँ मैडम गजेल। हेलो मैडम। ओहो, कितनी प्यारी हो तुम। तुम्हारा इस बैले क्लास में तहे दिल से स्वागत है। मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगी। बाय बाय। मजे से सीखो।
ये रहे पेपा के दोस्त कैंडी कैट, सूजी शीप, डैनी डॉग, रेबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। बच्चों, आज एक नई स्टूडेंट आई है, पेपा पिग। जाओ पेपा, अपने दोस्तों से मिलो। हेलो दोस्तों। हेलो पेपा। पेपा, हम शुरू करेंगे डेमी प्लिए से। डेमी प्लिए। अब एक छोटा जंप। पट्टी जीते। नजाकत और सुंदरता से पट्टी जीते। नजाकत और सुंदरता। पटीशते नजाकत और सुंदरता। बैले की क्लास बहुत मजेदार है। अपने हाथ ऊपर उठाओ। ऐसा सोचो कि तुम एक खूबसूरत हंस हो। और तुम्हें क्या लगता है हंस कैसी आवाज करेगा? म्याऊ। नहीं। वाह। नजाकत और सुंदरता। पेपा को नाचना बहुत पसंद है। सबको नाचना बहुत पसंद है। मम्मी मम्मी, हम सब ने हंसों की तरह डांस किया। पेपा ने बहुत अच्छा किया। मैंने बहुत नजाकत से और सुंदरता से डांस किया। शाबाश। मैं आपको दिखाऊं मैंने कैसे डांस किया। पहले घर चलते हैं, फिर तुम डैडी पिग को और जॉर्ज को और मुझे दिखाना। बाय बाय। पेपा और मम्मी पिग घर आ गए हैं। डैडी, जॉर्ज, मैं आपको दिखाऊंगी बैले कैसे करते हैं। क्या वो मुश्किल है? मेरे लिए तो बहुत आसान था, पर आपके लिए, जॉर्ज और मम्मी के लिए तो बहुत मुश्किल होगा। पहले हमें चाहिए म्यूजिक। गुड। अब जॉर्ज, डैडी और मम्मी, आप वैसा कीजिए जैसा मैं करती हूँ। मैडम गजेल ने मजेदार शब्द बोले, पर असल में सिर्फ घुटनों को मोड़ना होता है और जंप करना है। डैडी, आपको वो शब्द पता है? हो, क्योंकि मम्मी पिग और मैं बैले करते थे। सावधानी से डैडी पिग। हमें सबसे ज्यादा पसंद था पैडेटर। मुझे शायद ठीक से याद नहीं रहा। बुद्धू डैडी पिग। शायद हमें पेपा को ही बैले करते देखना चाहिए। हाँ, मैं उसमें सबसे अच्छी हूँ। मैं एक खूबसूरत हंस हूँ। फैंसी ड्रेस पार्टी। पेपा और जॉर्ज के यहाँ फैंसी ड्रेस पार्टी है। उन्होंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है। पेपा ने परियों की राजकुमारी की ड्रेस पहनी है और जॉर्ज ने डायनासोर की ड्रेस पहनी है। ये है पेपा के दोस्त कैंडी कैट, सूजी शीप, डैनी डॉग, रेबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। सूजी ने नर्स की ड्रेस पहनी है। हेलो सूजी। हेलो मिस्टर पिग। मुझे खुशी है कि नर्स आ गई। क्या तुम अभी अस्पताल से आई हो? मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो फैंसी ड्रेस वाली नर्स हूँ। बहुत अच्छे। अरे वाह, ये कौन आए हैं? मैं हूँ पायरेट, मुझसे सब डरो। मैं जादूगरनी हूँ, मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। नहीं, मैं एक जोकर हूँ।
बहुत अच्छे, तुम क्या बनी हो रेबेका रैबिट? मैं गाजर हूँ। बढ़िया, अंदर आ जाओ, एक फेरी प्रिंसेस और डायनासोर तुम सबसे मिलने के लिए रुके हैं। कैसे हो दोस्तों? हेलो पेपा। हेलो सूजी, मैं हूँ राजकुमारी पेपा, तुम्हें मुझसे झुक कर बात करनी चाहिए। हेलो राजकुमारी, मैं हूँ नर्स सूजी, मुंह खोल कर कहिए आ, आ। नहीं, मैं हूँ जोकर, कुछ मजेदार करो। रिबेका, तुम गाजर की ड्रेस में क्यों हो? मुझे गाजर पसंद है। डायनासोर। बापरे, डरावना डायनासोर। पेपा, आईने में खुद को खुशी से देख रही है। दीवार पर टंगे हुए आईने, बताओ सबसे सुंदर कौन है? तुम हो पेपा। हेलो पेपा। हेलो, मैं परियों की राजकुमारी हूँ। और मैं जादूगरनी। मेरे पास एक जादुई छड़ी है। मेरे पास भी जादुई छड़ी है। मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। और मैं भी तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। <डाइनेशा। laughs> तो खुद को देखकर ही डर गया। ओफो जॉर्ज, देखो आईने में तुम ही हो। बच्चों, अब ये तय करना है कि सबसे अच्छा फैंसी ड्रेस किसने पहना है। अब जज कौन बनेगा? ये पेपा की पार्टी है तो जज भी उसे बनना चाहिए। मैं जज हूँ, मैं जज हूँ। डैडी, जज क्या होता है? जज तय करेगा सबसे अच्छा ड्रेस किसका है। अरे वाह, पेपा ये तय करेगी कि किसकी ड्रेस सबसे अच्छी है। सूजी, क्या मैं तुम्हारा ड्रेस देख सकती हूँ? मैं नर्स सूजी हूँ, मैं लोगों को ठीक करती हूँ। शाबाश नर्स सूजी। अब डैनी। मैं हूँ पायरेट, मुझसे सब डरो। अब कैंडी। मैं जादूगरनी हूँ, मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। मैं परियों की राजकुमारी और मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। बच्चों बच्चों। सॉरी मम्मी। अब कौन? मैं जो करूँ। कितना मजेदार है। और रिबेका? मैं गाजर हूँ। अरे वाह। और मेरा छोटा भाई जॉर्ज डरावना डायनासोर बना है। सबके ड्रेस बहुत अच्छे हैं। अब तुम बताओ विजेता कौन है? अरे हाँ, और विजेता है पेपा। पेपा, तुम खुद को नहीं चुन सकती, तुम जज हो। ओह, नहीं कर सकती। तुम्हें कोई और विजेता चुनना होगा। ठीक है, गाजर जीती। वाह, थैंक यू। पेपा को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है। सभी को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है। द टूथ फेरी। पेपा और जॉर्ज अपना फेवरेट खाना खा रहे हैं, नूडल्स। कितना शोर मचा रहे हो। खत्म हुआ। अब हमें थोड़ी शांति मिलेगी। ये क्या है? ये दांत है। ये कहाँ से आया? पेपा, तुम्हें जाकर आईने में देखना चाहिए। ये तो मेरा दांत है, ये कैसे गिर गया? फिक्र मत करो पेपा, ये दूध का दांत है, वो तो गिरते ही है। नया दांत आ जाएगा ना मम्मी? हाँ जरूर आएगा पेपा, इसका ये मतलब है कि आज टूथ फेरी तुमसे मिलने आएगी। टूथ फेरी? हाँ टूथ फेरी। अगर तुम अपना दांत तकिए के नीचे रखोगी तो टूथ फेरी आएगी। टूथ फेरी तुम्हारा दांत लेकर जाएगी और उसकी जगह वो एक चमचमाता सिक्का रखेगी।
जब मैं बड़ी होंगी मैं टूथ फेरी बनूंगी। हो, 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 हो। और जब तुम बड़े हो जाओगी तो तुम क्या बनोगे जॉर्ज? डायनासोर। एक डायनासोर। जल्दी करो जॉर्ज, सोने का वक्त है, नहीं तो हम टूथ फेरी को नहीं देख पाएंगे। सोने से पहले पेपा और जॉर्ज अपने दांत ब्रश करते हैं। पेपा तुम क्या कर रही हो? मैं अपना दांत ब्रश कर रही हूँ ताकि टूथ फेरी के लिए वो अच्छा और साफ हो। पेपा जल्द से जल्द सोना चाहती है। पेपा अपना टूटा हुआ दांत तकिए के नीचे रखती है टूथ फेरी के लिए। गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट प्यारे बच्चों। जॉर्ज मैं तो सोऊंगी नहीं। चलो हम दोनों पूरी रात जागते हैं और टूथ फेरी से मिलते हैं। ये टूथ फेरी कब आएगी? हाँ। टूथ फेरी को आने में काफी देरी हो रही है। कहाँ है वो टूथ फेरी? वो आवाज कैसी थी? क्या वो टूथ फेरी है? जॉर्ज क्या तुमने कुछ सुना? ओ जॉर्ज। ओ ये आवाज तो जॉर्ज के खर्राटों की है। वो इतना थका हुआ था कि सो गया। जॉर्ज रात को बहुत देर तक जग नहीं सकता, पर मैं जग सकती हूँ। मैं जागते रहूंगी और टूथ फेरी को देखूंगी। मैं नहीं सोने वाली हूँ। आखिरकार टूथ फेरी आ ही गई, लेकिन पेपा सोई हुई है। हेलो पेपा, क्या तुम्हारे दांत के बदले में तुम्हें ये सिक्का चाहिए? वाह, कितना अच्छा और साफ दांत है। थैंक यू पेपा। गुड नाइट। पापा जॉर्ज उठ जाओ, सुबह हो गई। क्या मैं सोई नहीं थी? क्या टूथ फेरी आई थी? नहीं आई। चलो तकिए के नीचे देखते हैं। देखो पापा, टूथ फेरी आई थी और उसने तुम्हारे लिए गोल्ड कॉइन रखा। तुम सो गई थी है ना? हाँ, शायद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, लेकिन अगली बार मैं जगी रहूंगी और टूथ फेरी से जरूर मिलूंगी। द स्कूल फेट। आज स्कूल मेले का दिन है। पापा को मेले में आना अच्छा लगता है। ये हैं पापा के दोस्त कैंडी कैट, सूजी शिप, डैनी डॉग, रिबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। हेलो दोस्तों। हेलो। मुझे स्कूल फेट अच्छा लगता है। मुझे भी। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? फेस पेंटिंग करना। गुब्बारे पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा उछलने वाला कासल पसंद है। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। हो, बहुत अच्छी पसंद है पेपा। फिर मिलेंगे पेपा। फिर मिलेंगे। जॉर्ज तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? Oh dear, मेले में कोई डायनासोर नहीं है जॉर्ज। शायद हम एक डायनासोर गुब्बारा ले सकते हैं। आपको यकीन है उनके पास डायनासोर गुब्बारे हैं डैडी पिग? हाँ हाँ जरूर होंगे मम्मी पिग। क्या पहले मैं और जॉर्ज अपना मुंह पेंट कर ले? हाँ हाँ क्यों नहीं। मिस रैबिट ने पेपा के दोस्तों को टाइगर जैसा पेंट किया है। तो ये लो सूजी, अब तुम एक टाइगर जैसी लगती हो। थैंक यू मिस रैबिट। वाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा अच्छा लगा सूजी। क्या तुम पुसी कैट हो? नहीं, मैं टाइगर हूँ। पेपा तुम अपना चेहरा पेंट कराना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मुझे बनना है एक एलिफेंट। ओ डियर, मैं एलिफेंट बनाना नहीं जानती, मैं टाइगर बना सकती हूँ। ठीक है, टाइगर बना दीजिए। लो हो गया पेपा, अब तुम एक टाइगर हो। मैं टाइगर हूँ। जॉर्ज तुम क्या बनना चाहते हो? डायनासोर। एक डायनासोर?
उसके बजाय एक टाइगर कैसा रहेगा? मैं अच्छा टाइगर बनाती हूँ। मैं टाइगर हूँ। मैं भी। टाइगर्स वुफ वुफ नहीं बोलते। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि टाइगर बड़ी बिल्लियाँ होते हैं। और मैं एक बिल्ली हूँ। कैंडी, क्या तुम हमें सिखा सकते हो टाइगर कैसे बनते हैं? ओके। टाइगर बहुत धीरे धीरे चलते हैं और फिर कूदते हैं। टाइगर खुद को चाट कर साफ करते हैं, पर जब टाइगर खुश होते हैं तब वो पर करते हैं पर। हेलो बच्चों, ओ ये क्या है? तुम सब टाइगर्स हो और मैं उन्हें सिखा रही हूँ ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं। तुम छोटे टाइगर्स और क्या करना चाहते हो? डायनासोर। बिल्कुल ठीक, हमें जॉर्ज के लिए एक डायनासोर गुब्बारा ढूंढना है। तुम सबको गुब्बारे दिलाते हैं। हेलो मैडम गजेल, हमें कुछ गुब्बारे चाहिए। जरूर, मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुब्बारे हैं। क्या मैं एलिफेंट का गुब्बारा ले सकती हूँ? ये तुम्हारे लिए पेपा। मुझे कांगारू चाहिए। एक लायन वाला। मुझे मंकी चाहिए। एक पैरट वाला। ओ हाँ, मेरे पास ये सब हैं। और सबसे जरूरी है, हमें एक डायनासोर का गुब्बारा चाहिए जॉर्ज के लिए। ओ डियर, मेरे पास डायनासोर का कोई गुब्बारा नहीं है। फिक्र मत करो जॉर्ज, मेरे पास एक आइडिया है। क्या हम ये दो लंबे गुब्बारे ले सकते हैं? सब लोग उसको देखो। डैडी पिग गुब्बारे से क्या कर रहे हैं? बन गया। क्या कोई बता सकता है ये क्या है? ये कांगारू है? नहीं, ये है डायनासोर। बिल्कुल ठीक, डायनासोर। डैडी पिग ने एक डायनासोर गुब्बारा बनाया। डायनासोर। अब वो उछलने वाला कासल। पापा को उछलने वाले कैसल में उछलना पसंद है। सबको उछलने वाले कैसल पर उछलना पसंद है। बेस्ट फ्रेंड। पापा अपनी सबसे अच्छी सहेली सूजी शीप का इंतजार कर रही है। पेपा? सूजी शीप पेपा के साथ खेलने के लिए आई है। पेपा को सूजी पसंद है, सूजी को पेपा पसंद है, वो पक्की सहेलियां हैं। पेपा, क्यों ना तुम और सूजी बेडरूम में जाकर खेलो? ठीक है मम्मी। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। पेपा और सूजी को पेपा के बेडरूम में खेलना अच्छा लगता है और जॉर्ज को भी। नहीं जॉर्ज, ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है। जाओ और अपने खिलौनों से खेलो। पेपा और सूजी एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी परियों की राजकुमारी हूँ। मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ और तुम्हें एक मेंढक बना दूंगी। जॉर्ज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। नहीं जॉर्ज, मैं सूजी के साथ खेल रही हूँ, तुम कहीं और जाकर खेलो। जॉर्ज पेपा के साथ खेलना चाहता है, वो अकेला महसूस कर रहा है। जॉर्ज, मुझे मदद चाहिए, मैं चॉकलेट चिप कुकीज बना रही हूँ। जरा बोल में से चक्कर बताओ। जॉर्ज को कुकीज बनाने में मम्मी की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन उसे पेपा के साथ खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं एक नर्स बनना
चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन हमारा मरीज कौन बनेगा? जॉर्ज। पेपा और सूजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है और जॉर्ज को भी। पेपा जॉर्ज की धड़कन सुनती है। जॉर्ज अब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खांसो। मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा ढीला है। मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ। मुंह खोलो प्लीज। सूजी जॉर्ज का टेम्परेचर चेक करती है। ओ डियर, तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार है। मेरे ख्याल से तुम्हें 3 साल तक आराम करना होगा। डैडी बिग जॉर्ज को देखने आए हैं। ओ नहीं, क्या हुआ है जॉर्ज को? चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ खेल है। जॉर्ज हमारा मरीज बना है। ओ समझा। क्या हम मरीज से मिल सकते हैं? सिर्फ थोड़ी देर के लिए, वरना वो थक सकता है। कुकीज। हाँ, ये जॉर्ज के लिए है। ये उसकी दवाई है ताकि ठीक हो जाए। माफ करना डॉक्टर, मेरी मदद कर सकती हो? मेरा पेट दुख रहा है, इसमें गुदगुदी होती है। मैं इसके गुड़गुड़ सुन सकती हूँ। मुझे लगता है आपको भूख लगी है। मुझे लगता है अच्छा होने के लिए मुझे बहुत सी कुकीज खानी चाहिए। और मुझे भी। और मुझे भी। और मुझे भी। स्कूल का नाटक। पेपा की क्लास एक नाटक करने वाली है। लिटिल रेड राइडिंग हुड। सभी बच्चों ने एक नाटक में भाग लिया है, उन्हें घर में प्रैक्टिस करनी होगी। पेपा होगी लिटिल रेड राइडिंग हुड। मम्मी पिग ने पेपा को तैयार किया है और डैडी पिग पेपा की प्रैक्टिस में मदद कर रहे हैं। तो बताओ पेपा, तुम्हें क्या बोलना है? मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड। बहुत अच्छे। उसके बाद मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ। मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। शाबाश पेपा। डैनी डॉग बनेगा बड़ा बुरा भेड़िया। दादा डॉग और मम्मी डॉग प्रैक्टिस में उसकी मदद कर रहे हैं। मैं हूँ बड़ा बुरा भेड़िया। बोलने के बाद हंसना नहीं डैनी। तुम्हें डरावना लगना चाहिए। देखो मैं कैसे करता हूँ। मैं हूँ एक बड़ा बुरा भेड़िया और मैं तुम सबको खा जाऊंगा। देखा? हाँ, सचमुच बहुत डरावना था। पेड्रो पोनी शिकारी बनने वाला है। वो पेपा को उस भेड़िये से बचाएगा। मैं एक शिकारी हूँ और पेड्रो थोड़ा शर्मीला है। नहीं, तुम कहना मैं तुम्हें भगा देने वाला हूँ बड़े बुरे भेड़िये। मैं तुम्हें भगा दूंगा बुरे भेड़िये। शाबाश पेड्रो। रेबेका रैबिट दादी बनने वाली है। मैं क्या बोलूँ मम्मी? देखते हैं, नाटक के शुरुआत में बड़ा बुरा भेड़िया तुम्हें अलमारी में बंद कर देगा। नाटक के अंत में तुम्हें शिकारी बचा लेगा और तुम कहोगी थैंक यू। कहो थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छे रिबेका। स्कूल में नाटक देखने सभी आए हैं। आप सभी का स्वागत है। हम पेश कर रहे हैं द लिटिल रेड राइडिंग हुड। तो पहले मिलते हैं हमारे कलाकारों से। प्लीज प्लीज, कलाकारों की फोटो लेना मना है, ऐसा मत कीजिए। और अब शुरू करते हैं हमारा नाटक दादी घर पर है। पर ये मेहमान कौन है? मैं हूँ बड़ा बुरा भेड़िया। क्या बात है डैनी? ओहो, आगे क्या बोलना है ये डैनी भूल गया। दादी आप अलमारी में चले जाओ।
अलमारी में जाओ। बड़ा बुरा भेड़िया दादी बनने की नकल कर रहा है। मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड, मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। शाबाश पेपा। डैडी आपको फोटो नहीं खींचने चाहिए। ओहो सॉरी पेपा, जारी रखो। मैं अपने दादी से मिलने जा रही हूँ। ओह तुम मेरी दादी की तरह नहीं दिख रही हो। तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी हैं? तुम्हारे दांत कितने बड़े हैं? तुम मेरी दादी नहीं हो, तुम एक बड़े बुरे भेड़िए हो। बचाओ कोई, बचाओ बचाओ। पर देखो यहाँ कौन आया है, ये है शिकारी पेड्रो। बचाओ कोई, बचाओ। बिल्कुल सही वक्त पर, शिकारी पेड्रो। पेड्रो थोड़ा शर्मीला है। पेड्रो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? हाँ प्लीज। तुम बहुत ही शरारती भेड़िए हो। मैंने आपको बचा लिया दादी। थैंक यू। शाबाश शाबाश। बहुत अच्छे। पेड्रो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम बिल्कुल मेरे जितने अच्छे थे। दादा पिग की बोट। दादा पिग, पेपा और जॉर्ज दिन भर नदी पर घूमने जा रहे हैं। तुम्हारा स्वागत है प्यारे बच्चों। पेपा जॉर्ज चलो लाइफ जैकेट्स पहन लो। दादा पिग की बोट पर पेपा और जॉर्ज को लाइफ जैकेट्स पहनने ही पड़ते हैं। पता है बच्चों, इस बोट का कैप्टन मैं हूँ। आई आई कैप्टन। आई आई कैप्टन। जब कैप्टन दादा तुम सबको कुछ करने के लिए कहते हैं तो तुम्हें वो करना चाहिए। बेवकूफी छोड़कर। कैप्टन दादा कोई बेवकूफी वाली बात नहीं करते। बिल्कुल नहीं कैप्टन दादा। जॉर्ज झंडा लहराओ। पेपा बेल बजाओ। आई आई कैप्टन। दादी पिग व्हील संभालो। आई आई कैप्टन। चलो चलते हैं। शायद आपको थोड़ा धीरे चलाना चाहिए। तुमने सही कहा दादी पिग, मुझे अपना सारा पेट्रोल खत्म नहीं करना है। दादा पिग तेज चलिए ना, अच्छा लग रहा था। जाएंगे बेटा जाएंगे, हम बाद में तेज जाएंगे। देखिए एक और बोट। ये है दादा डॉग, वो डैनी को दिन भर नदी पर घुमाने लेकर आए हैं। कैसे हो डैनी और दादा डॉग? अहो कैसे हो दादा पिग? हेलो डैनी। हेलो पेपा। दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बोट अभी भी तैर रही है दादा डॉग, वो तो तुम्हारी जितनी ही पुरानी है। ये पुरानी बोट तुम्हारी जंग लगी बाल्टी से ज्यादा तेज चलती है दादा पिग। ओ अच्छा, तो चलो समुद्री डॉग रेस लगा कर देखते हैं। हारने के लिए तैयार हो जाओ पानी पिग। आप दोनों छोटे बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। दादा डॉग ने मुझे पानी पिग कहा। आपने पहले उन्हें समुद्री डॉग कहा दादा, आपको सॉरी बोलना चाहिए। अगर उसने पहले सॉरी बोला तो बोलूँगा। दादा अपने दोस्त दादा पिग को सॉरी बोलिए, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं, वो पानी पिग है और मेरी बोट उसकी बोट से ज्यादा तेज है। अच्छा तो ठीक है समुद्री डॉग, अगले ब्रिज तक रेस लगाते हैं। तो चलो तीन तक गिनते हैं। एक दो तीन। तुमने बहुत जल्दी शुरू किया। मुझे पकड़ के दिखाओ पानी पिग। समुद्री डॉग। बस इतना ही तेज भगा सकते हो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मैं जीत गया। ओह ये क्या, दादा पिग की बोट का पेट्रोल खत्म हो गया। बहुत होशियारी की कैप्टन दादा। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही तेज चला दी। हम वापस घर कैसे जाएंगे? वो देखिए दादा
दादा डॉग हमें खींच कर वापस ले जाएंगे। नहीं, मुझे उस समुद्री डॉग से अपनी बोट को नहीं खिंचवाना। मैंने उस पानी पिक को खींचने के लिए पूछा भी नहीं। क्या आप दोनों कभी बड़े होंगे? दादा पिक, अब दादा डॉग को सॉरी बोलिए। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें समुद्री डॉग कहा। दादा, दादा पिक को सॉरी बोलिए ना। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पानी पिक कहा। बहुत अच्छे दादा डॉग, क्या आप हमें खींच कर घर तक ले जाएंगे? और ये करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी मैडम। इसे पकड़ो कैप्टन। ऑल राइट स्किपर। दादा डॉग दादा पिक के बेस्ट फ्रेंड हैं। दादा डॉग दादा पिक की बोट को खींच कर घर ले जा रहे हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि मैं रेस जीत गया। दादा पिग, शरारती दादा पिग। पेपा, बेल बजाओ। आई आई कैप्टन। प्लेग्राउंड। पेपा और जॉर्ज अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में हैं। कैंडी कैट और पेड्रो पोनी क्लाइंबिंग फ्रेम पर हैं। रेबेका रैबिट, सूजी शीप और डैनी डॉग स्लाइड पर खेल रहे हैं। पेपा झूले पर झूल रही है। मम्मी मम्मी, झूला झुलाओ ना। तुम तैयार हो? हाँ, मुझे बहुत ऊंचा जाना है। और ऊपर मम्मी। जॉर्ज को भी झूले पर झूलना है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। कस कर पकड़ो। मैं जॉर्ज को झुलाऊंगी। जॉर्ज को धीरे से झुलाना पेपा। जी मम्मी। कस के पकड़ना जॉर्ज। ओहो, पेपा ने जॉर्ज को बहुत जोर से झूला झुलाया। जॉर्ज को ये बिल्कुल पसंद नहीं। पेपा, तुम्हें पता है जॉर्ज को ऊंचाई से डर लगता है। सॉरी जॉर्ज। चलो वहाँ खेलते हैं। हेलो सूजी। हेलो डैनी। हेलो पेपा। तुम सब गलत कर रहे हो। झूलने का सही तरीका ये है। पीछे रहो। एक दो चलो। मेरी तरफ देखो, मैं पंछी की तरह उड़ रही हूँ। ओह, मैं फंस गई हूँ। पेपा टायर में फंस गई है। ये हंसने वाली बात नहीं है। हमें थोड़ी हंसी तो आ रही है। तुम्हें बाहर निकालना होगा। पेपा के दोस्त उसे बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। जॉर्ज, क्या तुम्हें क्लाइंबिंग फ्रेम पर खेलना है? क्लाइंबिंग फ्रेम बहुत ऊंची है। जॉर्ज को ऊंचाई से डर लगता है। सॉरी जॉर्ज। अच्छा चलो स्लाइड पर खेलते हैं। स्लाइड, यिप्पी। पेपा को स्लाइड करना बहुत पसंद है। सबको स्लाइड करना पसंद है। मम्मी डैडी, मुझे देखिए। एक दो चलो। ये जॉर्ज को भी स्लाइड पर खेलना है। तुम डरोगे तो नहीं ना जॉर्ज, ये थोड़ा ऊंचा है। ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर चढ़ा देता हूँ। ओफो, ये भी जॉर्ज के लिए बहुत ऊंचा है। डरो मत जॉर्ज, मैं साथ में स्लाइड करता हूँ। डैडी, आप इस स्लाइड के लिए बहुत बड़े हैं। कुछ भी मत कहो पेपा, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ। चलो पीछे हटो। एक दो तीन। डैडी पिक फंस गए। इसमें हंसने की क्या बात है? डैडी आपको देख
देखकर बहुत हंसी आ रही है। हाँ शायद थोड़ी हंसी आ सकती है। हमें आपको नीचे ढकेलना होगा। डैडी का पेट उछलने वाले गुब्बारे जैसा है। जॉर्ज को डैडी के पेट पर उछलकर अच्छा लग रहा है। जॉर्ज को अब ऊंचाई से बिल्कुल डर नहीं लगता। तबीयत ठीक नहीं। मम्मी और डैडी पिग ने अभी अभी पेपा और जॉर्ज के लिए नाश्ता बनाया है। नाश्ता तैयार है। पेपा के चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। मम्मी मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरी प्यारी पेपा तुम बीमार लग रही हो। चिंता मत करो, मैं डॉक्टर ब्राउन बियर को बुलाता हूँ। डॉक्टर ब्राउन बियर बोल रहा हूँ। पेपा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचता हूँ। पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बेयर आए हैं। हेलो बेटा पेपा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा। अपनी जबान जरा बाहर निकालो। डरने की कोई जरूरत नहीं, पेपा को तो सिर्फ रैशेज आए हैं। मुझे दवाई की जरूरत है। रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ। हाँ दीजिए ना। इसका स्वाद शायद ही तुम्हें पसंद आए। चलो अब मुंह खोलो। यक, गंदी और कड़वी। बड़ी ही बहादुर लड़की हो तुम, तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली। पेपा को आराम करना चाहिए, उसकी तबीयत के बारे में मैं बाद में फोन करके पूछूंगा। पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ जरूर आ सकते हैं, ये रैशेस फैलेंगी नहीं। गुड बाय। बाय बाय डॉक्टर ब्राउन बेयर। मामी क्या मैं उठ सकती हूँ? डॉक्टर ब्राउन बेयर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है पेपा। पर ये कितना बोरिंग है। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं। क्या सूजी शीप मुझसे मिलने आ सकती है? सूजी शीप पेपा की बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसकी मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो मिसेस पिग। पेपा सूजी से बात करना चाहती है। हेलो सूजी। हेलो पेपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे चेहरे पर रैश है। डॉक्टर आए थे क्या? हाँ डॉक्टर ब्राउन बेयर आए थे, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है पर मैं बहुत बहादुर हूँ। तो तुम सचमुच बीमार हो? हाँ हाँ मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे बिस्तर में ही रहना है। डॉक्टर ब्राउन बेयर ने मुझे एक बहुत ही गंदी और कड़वी दवाई दी थी। मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ। मैं नर्स वाले कपड़े पहन कर आती हूँ। सूजी शीप पेपा से मिलने आई है। सूजी अपने नर्स वाले कपड़े पहने हैं। डैनी डॉग और रबेका रैबिट भी साथ में आए हैं। हेलो पेपा। हेलो। तुम कैसी हो पेपा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है सूजी, मुझे बिस्तर पर लेटे रहना है। तुम्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तुम मेरे लिए संतरे का जूस ला सकती हो। ठीक है। लगता है कि पेपा को बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू सूजी। अभी कुछ ठीक लग रहा है? हाँ थोड़ा सा। डैनी मेरी मम्मी से पूछो क्या मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ, और रिबेका क्या तुम बगीचे से मेरे लिए फूल ला सकती हो? पेपा ठीक हुई या नहीं ये देखने के लिए डॉक्टर ब्राउन बेयर आए हैं। अरे वाह, नर्स तो पहले से ही पहुँच गई, तो बताओ मरीज कैसा है? मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा जी, तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ प्लीज। अरे वाह, रैशेस गायब हो गए हैं, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। क्या मैं थोड़ी भी बीमार नहीं हूँ? अब कैसा लग रहा है? मुझे लगता है और थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए। मुझे इस बॉल के साथ बगीचे में जाकर खेलना है, कौन आएगा मेरे साथ? मैं भी।
यार ये क्या, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। आज शानदार धूप खिली है और पेपा और जॉर्ज अपनी साइकिलें चला रहे हैं। कितना बढ़िया पम्पकिन है डैडी पिक। डैडी पिक को अपने पम्पकिन पर नाज है। मुझे बस पम्पकिन ही उगाने आते हैं, शायद इसीलिए मुझे पम्पकिन पाई से प्यार है। जल्दी आओ जॉर्ज। डैनी, सूजी, रिबेका। पेपा और उसके दोस्त डैनी डॉग, सूजी शीप और रिबेका रैबिट अपनी अपनी साइकिलें चला रहे हैं और जॉर्ज अपनी ट्राइसिकल चला रहा है। ये कितना धीरे चलाता है। चलो डैडी पिक के पम्पकिन की तरफ रेस लगाएं। अगर हम डैडी के पम्पकिन की तरफ रेस लगाएं तो हमें ध्यान रखना होगा कि उससे टकरा ना जाए। अगर पम्पकिन टूट गया तो डैडी बहुत नाराज हो जाएंगे। चिंता मत करो पेपा, रेस करो। पेपा और उसके दोस्त डैडी पिक के पम्पकिन की तरफ रेस लगा रहे हैं। हे, मेरे पम्पकिन का ध्यान रखना। पेपा ध्यान से, डैडी का पम्पकिन। सॉरी डैडी। देखो जॉर्ज को, वो कितने धीरे चला रहा है। जॉर्ज अभी तक बच्चों की साइकिल चलाता है। तुम्हारी भी तो बच्चों की साइकिल है पेपा, इसमें भी बैलेंसर लगे हैं। मैं बिना बैलेंसर के चला सकती हूँ। मैं भी। चलो फिर से पहाड़ी पर चढ़ें। तुम आओगी पेपा? नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी। बाय बाय। बाय। पेपा चाहती है कि उसकी साइकिल में बैलेंसर ना लगे हों। डैडी, मुझे अपने साइकिल में बैलेंसर नहीं चाहिए। तुम बिना बैलेंसर के चला पाओगी? हाँ। ठीक है पेपा, इसे निकाल देते हैं। डैडी पिक पेपा की साइकिल में से बैलेंसर निकाल रहे हैं। क्या तुम सच में बिना बैलेंसर के चला पाओगी? हाँ। मुझे नहीं लगता तुम चला पाओगी। मैं चला सकती हूँ। हाँ, हाँ। इसमें हंसने जैसा क्या है? बिना बैलेंसर के साइकिल चलाना आसान नहीं होता। मैं तुम्हारी मदद करूं पेपा? हाँ डैडी, प्लीज। ठीक है, रेडी स्टडी गो। छोड़ना मत डैडी। घबराओ मत, मैं पकड़े हुए हूँ। काफी अच्छा चला रही हो पेपा। छोड़ना मत डैडी। बस पैडल चलाती रहो। पेपा बिना बैलेंसर के साइकिल अपने आप चला रही है। डैडी, आपने मुझे छोड़ दिया। तुम तो कितनी देर से अपने आप चला रही हो। सच में? तुम सचमुच बहुत अच्छा चलाती हो। सच में? ओ, मैं चला सकती हूँ। देखो मुझे, देखो मुझे, मैं साइकिल ठीक से चला सकती हूँ। डैनी, सूजी, रिबेका, देखो मैं बिना बैलेंसर के साइकिल चला सकती हूँ। देखो मुझे। चलो डैडी के पम्पकिन की तरफ रेस लगाएंगे। पेपा, मेरे पम्पकिन का ध्यान रखना। मैं जीत जाऊंगी। पेपा नहीं देख रही कि वो कहाँ जा रही है। ओह डियर, पेपा ने तो डैडी पिक के पम्पकिन की चटनी बना दी। सॉरी, मैंने आपका पम्पकिन तोड़ दिया डैडी। पम्पकिन की चिंता मत करो, जरूरी ये है कि तुम ठीक ठाक हो। आगे से ध्यान रखना कि किस तरफ जा रही हो। प्रॉमिस डैडी, जरूर रखूंगी। गुड। हाँ तो जब पम्पकिन टूट ही गया है तो क्यों ना इसकी पम्पकिन पाई बना ली जाए। मुझे पसंद है पम्पकिन पाई। और क्योंकि डैडी पिक का पम्पकिन इतना बड़ा है, इसलिए सबके लिए काफी पम्पकिन पाई होगी। मेरी बर्थडे पार्टी। आज पेपा का बर्थडे है और सुबह हो चुकी है। आज मेरा बर्थडे
है। जॉर्ज उठो, मेरा बर्थडे है। आज मेरी पार्टी है और डैडी जादू दिखाने वाले हैं। जल्दी चलो जॉर्ज, मम्मी और डैडी को उठाते हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग अभी भी सो रहे हैं। उठिए, मेरा बर्थडे है। उठिए। कितने बजे हैं? बहुत देर हो गई है। सुबह के 5 बजे हैं। हाँ, पूरा दिन खत्म हो रहा है। चलो तुम्हारे बर्थडे की तैयारी करते हैं। यप्पी। मम्मी पिग, डैडी पिग और जॉर्ज पेपा को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं। हैप्पी बर्थडे पेपा। क्या है इसमें? गुड़िया का ड्रेस। मैं इसे डैडी को पहनाती हूँ। आप सबको थैंक यू। खुश रहो पेपा। मुझे नहीं पता था ये टेडी एक लड़की टेडी है। ओ डैडी, आपको नहीं पता टेडी लड़की है? मुझे अपना नया ड्रेस पसंद है, थैंक यू। कोई बात नहीं टेडी, बस इसे खराब मत करना। तुम्हें पता है आज क्या क्या होने वाला है? हाँ, मेरी बर्थडे पार्टी में मेरे दोस्त आ रहे हैं और डैडी जादू दिखाने वाले हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जादूगर तुम्हारे डैडी है। तुम सबको बताओगे कि मैं अद्भुत जादूगर हूँ। हाँ, अद्भुत जादूगर। डैडी तो पूरे हफ्ते से अपने जादू के खेल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे दोस्त आ गए। यप्पी। पेपा के दोस्त आ गए, कैंडी कैट, सूजी शीप, डैनी डॉग, रेबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। हेलो दोस्तों। चलो बच्चों, पार्टी शुरू हो रही है। डैडी पिग जादू का शो करने वाले हैं। पेपा, याद है ना तुम्हें क्या कहना है? मैं तुम्हारे सामने पेश करती हूँ एक बहुत ही अद्भुत जादूगर। जी डैडी। दोस्तों, पेश करती हूँ जादूगर डैडी। ये रही मेरी पहली ट्रिक, अब्राकाडाब्रा। वाओ, ये तो टेडी है। मेरे अगले जादू के लिए मुझे तुम में से किसी की मदद चाहिए। मुझे एक ही चाहिए। प्यारी बच्चे, तुमने पहले हाथ उठाया। चलो अब दर्शकों को अपना नाम बताओ। सूजी शीप। देखो सूजी, ये रहे 3 बॉल, एक लाल, एक नीला और एक पीला। ठीक है। जब मैं पीछे मुड़ जाऊंगा तब तुम्हें मुझे बिना बताए एक चुनना होगा। ठीक है। क्या तुमने एक चुन ली? हाँ। आबरा का डाबरा, तुमने चुनी पीली। नहीं। आबरा का डाबरा नीली। नहीं। आबरा का डाबरा लाल। हाँ, सही जवाब। बुद्धू जादूगर डैडी, आपने 3 रंग बता दिए। पेपा, किसी को बताना नहीं। क्या एक और जादू देखना चाहो? हाँ, प्लीज। अब अपनी आंखें बंद करो, देखना नहीं है। अब जादुई शब्द बोलो, अब्राकाडाब्रा। अब्राकाडाब्रा। अब अपनी आंखें खोल दो। हुर्रे, मेरा बर्थडे केक। मोमबत्तियां बुझाओ पेपा। सभी को थैंक यू, ये मेरा सबसे अच्छा बर्थडे था। Thank you.